देखिए, मैं कोई लेखक नहीं हूं। लेखक तो सोच की गहराइयों में डूबकर न जाने कैसे कैसे मोती निकाल लाते हैं। मैंने तो बस वही लिखा है जो जिंदगी ने मुझे सिखाया है। बागवान मेरे बारे में या किसी एक इंसान के बारे में नहीं है। ये किताब है बीते हुए कल और आने वाले कल के बीच फैले हुए सन्नाटे के बारे में। ये किताब है हमारी पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी के बीच टूटते हुए हर पुल के बारे में। ये किताब है उन झुके हुए कंधों के बारे में जिन पर बैठकर कभी कुछ बच्चों ने जिंदगी के मेले देखे थे। ये किताब है कांपते हुए उन खाली हाथों के बारे में जिन्होंने कभी नन्हे हाथों को पकड़कर उन्हें चलना सिखाया था। ये किताब है उन लरसते होठों के बारे में जिन पर कभी लोरियां होती थी लेकिन आज वर्षों से खामोशी है। जमाना बदल गया, जिंदगी बदल गई है, लोग बहुत बदल गए। आज की पीढ़ी बहुत होशियार और प्रैक्टिकल हो गई। उनके लिए माँ बाप सीढ़ी के उस पहले पायदान की तरह हैं जिस पर चढ़कर वो ऊपर निकल जाते हैं और जब उस सीढ़ी का इस्तेमाल नहीं रहता तो उसे घर के टूटे फूटे बर्तन, फटे पुराने कपड़ों और कल के अखबार की तरह रद्दी समझकर कबाड़खाने में फेंक दिया जाता है। लेकिन जिंदगी कोई सीढ़ी नहीं है और ना ही माँ बाप सीढ़ी का पायदान है। जिंदगी एक पेड़ है और माँ बाप उसकी जड़ है। पेड़ कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना भी हरा भरा क्यों ना हो जाए, उसकी जड़ काट देने पर कभी हरा भरा नहीं रह सकता। इसलिए मैं बड़ी विनम्रता और आदर के साथ पूछता हूं नई पीढ़ी के बच्चों से कि जो आप अपने बच्चों की खुशी के लिए एक एक पाई खर्च करने में नहीं हिचकिचाता, वही बच्चे जब बाप की आंख धुंधली हो जाती है तो उसे एक कतरा रोशनी देने में क्यों कतराते हैं। जो बाप जिंदगी का पहला कदम बच्चों को चलना सिखाता है, वही बच्चे बाप के आखिरी कदम में उसकी मदद क्यों नहीं कर सकते।